यूपी में आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीत गया। पिछले कई बारों से उसे बीजेपी टालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने कहा द गूल्स हैव लॉस्ट एंड पीपल हैव वन द इलेक्शन। इनफैक्ट शुरू से ये लग रहा था लोगों को कि वो उनका मेयर होगा, क्योंकि उनकी जीत सर्वविदित थी। उनकी जीत इतना बढ़िया, इतने ज़्यादा सीटें लेकर आए, तमाम लोगों के गतिरोध पहुंचाने के बावजूद, बाधाओं के बावजूद, कि ये कितने खेल तमाशे करने के बावजूद अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी बहुत दमखम के साथ सामने आई। और हम सब की यही अपेक्षा थी, ये जानते थे कि उनकी जीत होगी, मेयर उनका होगा, कमेटी उनकी होगी, लोग उनके होंगे। और ज़रूरत भी है, क्योंकि सिर्फ आम आदमी ने और ख़ासकर केजरीवाल साहब ने वादा किया था वो कूड़ों का पहाड़ हटाएंगे, सफाई करेंगे। और मुझे लगता है केजरीवाल साहब के वादों में भी दम है और उनके उनकी टीम के अंदर की क्षमता भी है, वो लोग कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए बड़ी खुशी की खबर है और इसके लिए तमाम लोग, दिल्ली के तमाम लोग, देश के लोग और सबसे ज़्यादा हमारे अपने अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम लोग बधाई के पात्र। मुंबई में जिस तरीके से सर शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे के हाथ से निकल गया, इस पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं? शरद पवार ने भी कहा कि एक बहुत गलत परंपरा की शुरुआत चुनाव आयोग ने कर दिया। देखिए, शरद पवार तो देश के इतने महान नेता हैं, बहुत लोग तो उनको सही मायने में चाणक्य मानते हैं। उन्होंने जो कहा है तो उनकी बात का तो मैं खंडन कभी नहीं कर सकता हूँ और न करना चाहिए किसी को भी। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है, लेकिन ये उनका जो है अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ। मुझे लगता है वहाँ खेल अभी शुरू हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया हुआ है और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द, किसकी जीत और किसकी हार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जल्द वहाँ के लोगों को इंसाफ मिलेगा, न्याय मिलेगा, ये मेरी कामना है और मुझे यही मेरी प्रार्थना भी। बिहार की सियासत की बात की जाए सर, अब नीतीश कुमार ने ऑपोजिशन यूनिटी की बात की है, उन्होंने कांग्रेस से यहाँ साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस को अगर समय है तो कांग्रेस आए बात करे, अगर ऑपोजिशन यूनिटी होती है तो मैं 100 के नीचे बीजेपी को ला दूंगा। देखिए, नीतीश कुमार तो बहुत परिपक्व आदमी, इसमें दो राय है नहीं। नीतीश कुमार बहुत दिनों से कोशिशमंद है, फिक्रमंद है, ये भी दुनिया जानती है। मैं कह सकता हूँ कि मैं इस मामले में क्या बोलूँ, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन विपक्ष का मामला पूरे देश का मामला है और विपक्षी एकता पूरा देश चाहता है, उसमें वो लीड ले रहे हैं। मैं समझता हूँ धीरे धीरे सब कोई उस लीड के कायल होते हुए, उनके नेतृत्व के कायल होते हुए, नेतृत्व कायल ये नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रधान, उन्होंने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, दावेदार नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ लीड लेते हुए, उनका कायल होते हुए, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली, विपक्ष के लोग, विपक्षी एकता होगी। कहाँ तक होगी आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन होगी ज़रूर। और जहाँ तक उनकी दूसरी बात का सवाल है, हमारे दोस्त माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी या उनकी जो टीम है, उनकी पार्टी जो है, उनके बहुत अच्छे दिन नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था और इसको नीतीश कुमार ने भी समझाया जाना है और हमारे खड़गे साहब ने और अपोजिशन के तमाम बड़े बड़े नेता, जिसमें हमारी अपनी ममता जी भी हैं टीएमसी की, सबका ये सब अनुमान ही नहीं बल्कि संकल्प है कि विपक्षी एकता के साथ, अपनी जनशक्ति के साथ, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों की धन शक्ति का जवाब देते हुए वो लोग ज़रूर उनकी शक्ति को बहुत क्षीण कर देंगे, 100 क्या 100 से कम भी हो सकता है। चेहरा कौन रहेगा सर? वो सब बहुत पुरानी बातें हैं, कौन चेहरा कौन रहेगा। पहले इनका चेहरा जो है माननीय प्रधानमंत्री के बहुत सारे बेरोजगारी से लेके, ये महंगाई से लेके, डॉलर पेट्रोल से लेके, डीजल से लेके, इतनी सारी बातें हो रही हैं, ऊपर से अभी नीम पे करेला बजट और बजट के बाद अडानी का जो इशू आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कौन दोषी है अडानी के मामले में, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि ईमानदारी और पारदर्शिता का साथ होना और चलना ज़रूरी है। इसलिए पारदर्शिता का तकाजा है कि अडानी पे इन्वेस्टिगेशन हो, जांच पड़ताल हो, बहुत सारी बातों का जो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जवाब नहीं दिया है, उनका जवाब देने के लिए उनको सामने आना पड़े,
चाहे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या विपक्षी आवाज़ एकता की तरफ से, उसका जवाब दें। तो यानी इंक्वायरी हो, इन्वेस्टिगेशन हो, और अगर ये इरादे हैं, उनके नियत है इन्वेस्टिगेशन के, तो फिर इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होने दिया जाए। मैं अभी नहीं कहता हूँ कौन दोषी है और कौन दोषी नहीं है। तो इन सारी बातों को देखते हुए लगता है कि बहुत सारी बातों का, बहुत सारे इश्यूज़ का जवाब देना बाकी है। तो कौन होगा प्रधानमंत्री विपक्ष से, वो तय करने का भी फायदा नहीं। पहले ही कौन नहीं होगा और किसे नहीं रहना चाहिए, वो सब जान रहे हैं और सब मान रहे हैं। तो जहाँ तक इनका सवाल है कौन होगा, तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप भी सुनते आ रहे हैं कि आफ्टर नेहरू हु, आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हु, ये हु चलता रहता है, फैसला हो जाता है, देश की जनता फैसला कर देती है। राहुल गांधी चाहे उनके लोग नेतृत्व में बहुत अच्छे हैं, सक्षम हैं, काबिल हैं, उसी तरह हमारी ममता बनर्जी भी लोग कहते हैं, इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत शानदार, बहुत दमदार है, ट्राइड टेस्टेड और सक्सेसफुल है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में 2024 में ममता बनर्जी भी एक बहुत बड़ी गेम चेंजर बनकर सामने उभर कर आएंगी। शत्रुजी, आप लालू परिवार से आपका संबंध काफ़ी अच्छे रहे, तेजस्वी यादव को लगातार मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही है, आप क्या मानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार का नेतृत्व करने के लिए सक्षम है और उनको मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए? अरे जब प्रधानमंत्री हमारे माननीय दोस्त नरेंद्र मोदी जिसको सक्षम माना जाता है देश का नेतृत्व करने के, संभालने के लिए, तो ऐसी क्या कमी है हमारे तेजस्वी में? तेजस्वी आप और हम में क्या कमी है? अगर हमारे ऊपर लोगों का साथ मिले, सहयोग मिले, आशीर्वाद मिले, संख्या बल अगर हमारे पास हो, तो मैं तो शुरू से कहता हूँ कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, आप भी बन सकते हैं और शायद मैं भी बन सकता हूँ। धन्यवाद।